हल आसन। दोनों पैरों को 90 अंश के कोण पर लाकर आप दोनों पैर के पंजों को 120 मिलाते हुए पीछे मुड़ने का अभ्यास करते हैं। आप देख रहे हैं सीने पर, पेट पर, कमर पर दबाव आ रहा है, गर्दन आपकी दबी हुई है। इन्हें एक क्रिया थायराइड ग्लैंड्स के लिए लाभकारी है। धीरे धीरे आप पैर को वापस लाइए, वजन में कमी होती है, पैर को आहिस्ता आहिस्ता नीचे ले आएं। थायराइड ग्लैंड्स के लिए और वजन में कमी लाने के लिए इस क्रिया को आप 5 से लेकर 10 बार तक करना चाहिए। बिल्कुल हल्की आकृति है। अब आप दोनों घुटने मोड़कर सिर के पास लगाकर दोनों पंजों को मोड़कर नितंब के पास ला सकते हैं। अधिकतम रुकने का अभ्यास। धीरे धीरे वापस आ जाए। थोड़ा सा आराम यानी शवासन। मधुमेह के मरीजों के लिए यह क्रिया बहुत लाभकारी, इसे हलासन भी कहते हैं। इन्हें दोनों पैरों को सिर के पीछे लाना, पेट बढ़िया साफ होगा, हृदय पर दबाव कम आएगा, थायराइड ग्लैंड्स T3, T4 और TSH इसको संतुलित करने के लिए यह आसन की क्रिया लाभकारी है।